हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाएंगे चोको लावा इडली केक। ये हैशटैग रेसिपी नंबर 2 जो मैं अपने चैनल पर ट्राई कर रही हूँ, ये मैंने स्क्रॉल करते वक्त देखी। सो इसमें हमें लगेगा ओरियो, डेरी मिल्क, बटर, चीनी और इडली स्टैंड। अगर आपके पास इडली स्टैंड नहीं है तो आप इस अप्पे स्टैंड में बना सकते हो। सो डबल बॉइलिंग मेथड के थ्रू मैं चॉकलेट मेल्ट कर रही हूँ। मैंने फ्लेम तो सबसे लो पे रखी हुई है और मैं वैसे तो इसमें 50 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट डालने को बोला है, पर मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ क्योंकि हम ट्राई कर रहे हैं। सो मैं 4 क्यूब यूज़ कर रही हूँ सिर्फ चॉकलेट के, और ये अब मेल्ट होना चालू हो गई है। सो अगर ये मेल्ट होना चालू हो गई है तो अब थोड़ी देर बाद आप इसे मेल्ट करके फ्लेम ऑफ करके रख दो, जिससे जब तक हम बैटर में डालें इसको तब तक ये थोड़ी सी सख्त हो जाए, जिससे अच्छे से कंसिस्टेंसी मिले हमको। सो अब मैं ओरियो ग्राइंड कर रही हूँ। अभी मैंने 5 ओरियो डाले हैं, बट धीमे धीमे करके मैं पूरा पैकेट डाल दूँगी, क्योंकि 5 ओरियो में मैंने ट्राई तो किया था बट कुछ भी नहीं होता। सो गाइस, हम इसको ग्राइंड कर देंगे। अब हमारा बैटल तैयार है। मैं मिल्क भूल गई थी, हमें दूध ज़रूर चाहिए इसको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मिलाने के लिए। सब मिल्क ले लेना, आधा कप काफ़ी है। सो सबसे पहले मैं डालूँगी चीनी इसमें, एकदम बारीक वाली चीनी है इसलिए मैंने पीसी नहीं है इसको। सो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाऊंगी और अब हम इसको स्टिर कर लेंगे अच्छे से। और फिर अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ठीक लगे तो आप थोड़ा सा दूध और ऐड कर लेना, जैसे मैंने ऐड किया है। कंसिस्टेंसी के हिसाब से ही आप दूध ऐड करना। सो मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और उस पर एक तपेला, भगोना, जो भी कहना चाहो, रख दिया। उसमें थोड़ा सा पानी रख दिया है और उसको लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए छोड़ दिया। तब तक हम लोग बटर मेल्ट कर लिया मैंने, और मैं सारे पैन, इडली पैन में बटर लगा दूँगी, जिससे कोई भी हमारी जो केक है वो चिपके ना, उसमें नीचे जल ना जाए। सो हम एक चम्मच बटर इसमें डाल रहे हैं और उसको अच्छे से आप हिला लीजिएगा पैन को, जिससे वो अच्छे से स्प्रेड आउट हो जाए पूरे पैन में। फिर उसके बाद हम थोड़ी सी उसके ऊपर चॉकलेट डालेंगे। गाइस, अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना, जिससे आपको रिजल्ट्स पता चले कि सच्ची में भी काम करता है या नहीं करता है। सो मैंने चॉकलेट डाल दी है, अब आप इसको बैटल की हेल्प से वापस से ढक दीजिए। और ऐसे ही आप सारे पैन्स को भर लीजिए। मैंने सिर्फ अभी 4 ही पैन भरे हैं क्योंकि मैं ट्राई करना चाहती हूँ, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं इतना ज़्यादा लॉस भी नहीं करूँगी। सो मैंने इसको डाल दिया है इस पर, और हम एक लिड लेंगे और उसको थोड़ा सा खुला छोड़ के इसके रख देंगे। सो 5 मिनट होने के बाद मैंने इसे खोल के देखा है तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब 5 मिनट और छोड़ दिया था मैंने, 10 मिनट टोटल लगे। अब मैं एक नाइफ डाल के ट्राई करूँगी कि ये कच्चा है या पक गया है। सो गाइस, नाइफ में कुछ भी रेसिड्यू नहीं आया है तो ये पक गया है। सो हम इसको नाइफ की हेल्प से चारों तरफ से निकाल लेंगे और फिर एक स्पून की हेल्प से इसको निकाल के प्लेट्स में रख लेंगे। सो गाइस, ऐसे हमारे इडली चोको लावा दिख रहे हैं। सो अब देखते हैं सच में चोको लावा है या नहीं है। सो मैं इसको खोल के ट्राई करती हूँ कि ये सच्ची में भी चोको लावा है या नहीं। चोको लावा की तरह तो नहीं फूटा, बट अच्छा दिख रहा है वो जो भी है। सो अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा है। काफ़ी फ्लफ़ी है ये, काफ़ी सॉफ्ट है, मतलब काफ़ी सॉफ्ट स्पॉन्जी बना है ये। सो काफ़ी अच्छा टेस्ट कर रहा है ये, बहुत ज़्यादा चॉकलेटी नहीं, बहुत ज़्यादा कम चॉकलेटी नहीं, परफेक्ट है ये। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आप ऐसे वीडियो और चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और नहीं पसंद तो डिसलाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके पास एक छोटी सी बेल बटन होगी, उसको प्रेस कर देना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। सो बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय।